कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया। कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्धरमैया पर भरोसा जताया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान हो गया है। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ में डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, आखिरकार सिद्धरमैया के हाथ में ही कमान जा रही है, लेकिन अकेले सिद्धरमैया नहीं बल्कि डीके शिवकुमार को भी आगे किया गया। देखिए, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की जोड़ी ने ही कर्नाटक में विधानसभा की सीटें दिलवाई हैं। 135 सीटें जो आई हैं उसमें दोनों का योगदान है, और इसीलिए पावर शेयरिंग कैसे हो, दोनों को उचित किस तरह से उनका हिस्सा दिया जाए सरकार में, इसी को लेकर पिछले तीन दिनों से पूरी दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था, राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक। और अब देर रात यानी कल देर रात 1:30 बजे के आसपास तय किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा घोषित किया गया कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री तीन बनाने की बात पहले थी, लेकिन डीके शिवकुमार इसी बात पर अड़े थे कि आखिर उनका रसूख क्या होगा। तो वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे और तीन उप मुख्यमंत्री में से एक रहेंगे, इसलिए उनकी बात मानी गई। फिलहाल एक ही उप मुख्यमंत्री रहेगा। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया जाएगा और आज शाम को 7 बजे बेंगलोर में विधायक दल की बैठक होगी। तीनों ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह पहुंचेंगे और वहां पर प्रस्ताव पारित होगा। आला कमान द्वारा जो नाम बताया गया सिद्धरमैया का, उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने दावा पेश कर दिया सरकार बनाने के लिए राजभवन में, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। अरुण, हमने पिछली बार भी देखा था जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनते तो उनकी मंत्रिमंडल में खूब चली थी, लेकिन इस बार डीके शिवकुमार भी पावर में, और डीके शिवकुमार उस पावर में है जब उन्होंने चुनाव में आगे बढ़कर चुनाव को जिताया। तो इस बाबत आप कैसी तस्वीर दिख रहे हैं, या क्या सूत्र आपके बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल किसके हिसाब से होगा, आला कमान, सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार? देखिए, जो पिछले 3-4 दिनों तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय नहीं हुए, मोटा मोटी मंत्रिमंडल का आकार भी तय हो गया है और किसके खेमे के कितने मंत्री बनाए जाने उस पर भी चर्चा हो चुकी है। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों के खेमे से लगभग बराबर मंत्री बनाए जाएंगे, और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहीं से आते हैं, तो उनको पता है कि किस रीजन से, किस जाति से, किस धर्म से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में रखना जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव है तो जातीय जो संतुलन है और रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये मिलीजुली एक तरह से सरकार होगी दोनों पक्षों की। तो अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में, जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़े कैनवास पर एक ऐसी तस्वीर अब कांग्रेस को रखनी है जिसकी छवि 2024 में भी दिखाई दे, ताकि 2024 में भी आगे जो है बढ़ा जा सके। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है तैयारी कर ली है, और अब ये देखना है कि आगे तस्वीर क्या निकलती है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया। कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्धरमैया पर भरोसा जताया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा और उसमें यह तय किया गया कि सिद्धरमैया, जिनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है, जो राजनीति के दांव पे जानते हैं, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन संकट मोचक जो कांग्रेस के हैं वो डीके शिवकुमार हैं, और डीके शिवकुमार को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसीलिए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे। 20 तारीख को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन तो आप देखेंगे ही कर्नाटक में, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष को एकजुट करने की बात कही जाती है वो उसमें दिखाई देती है या नहीं। और करीब 4 दिनों तक मंथन करने के बाद कांग्रेस आखिरकार सिद्धरमैया के नाम पर सहमति बनाने में कामयाब रही। सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी की ओर से कल देर रात इस बारे में आधिकारिक घोषणा की गई। राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 मई को बेंगलुरु में दोपहर 12:30 बजे होगा। इससे पहले आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा।